नमस्कार, मैं प्रशांत पालेकर कपल हिंदू सात्विक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ, मैं वही प्रशांत पालेकर हूँ जो हमेशा किचन में आपको दिखता है, लेकिन आज ड्राइंग रूम में बैठा हूँ और आपके साथ कुछ बातचीत करनी है, कुछ अपील करना है, मेरे दिल की बात करनी है, इसलिए यहाँ बैठा हूँ। आप तो पूरे साल होने को आया, हमको अच्छी तरह से देख रहे हैं, हमें इनकरेज कर रहे हैं, हमारे चैनल को आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट्स अच्छी अच्छी भेज रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे आज मिल के कुछ बात कहूँ, आपको और एक बार थैंक यू कहूँ। हमने ये चैनल क्यों चालू किया, यह आप सभी को मालूम होना बहुत जरूरी है, इसलिए मेरे बारे में आपको जानना पड़ेगा, वही आज मैं बताने वाला हूँ। मेरा जन्म ऐसे फैमिली में हुआ कि जिसमें सभी को खाना बनाने में और दूसरों को खिलाने में बहुत रुचि है। बचपन से मैंने देखा है, मेरी माँ जी थी, अब वो नहीं है, अच्छा अच्छा खाना बनाती थी। वो शादी होके यहाँ आई तभी वो प्योर वेजिटेरियन थी, आखिर तक प्योर वेजिटेरियन थी, लेकिन नॉनवेज भी उनके सासू माँ ने उनको सिखाया, उनके जेठानी ने सिखाया, वो सीख लिया। वो जो कुछ बनाती थी वो पदार्थ आज बनेगा वैसे ही 2 साल के बाद भी वो ही रुचि रहती थी, वो ही टेस्ट, इतनी सी भी बदली नहीं होती थी। यानी उनका लाइफ तो ऐसे ही इसमें ही गया कि वो हर तरह के व्यंजन, मिठाइयाँ, जो जो भी है बनाती थी इंटरेस्ट लेके। तभी कुछ नेट वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन बचपन से उनके घर में अच्छी अच्छी किताबें आती थी, वो पढ़ती थी और वैसे पदार्थ बनाना सीखती थी। वो सीख के शादी होके यहाँ आ गई, वो उन्होंने ऐसे पदार्थ बना के सबका मन जीत लिया। आखिर तक अभी उनको जाके भी 12 साल हो गए, अभी भी लोग उनके बारे में, उनके बनाए हुए पदार्थों के बारे में आज भी याद निकालते हैं। बाद में ऐसे हो गया, मैं बड़ा हो गया, मुझे भी वो देख देख के बनाना मैं सीख गया। मेरी शादी हो गई, शादी भी उस परिवार में हो गई, मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती थी, लेकिन वो ज़्यादा करके फिश फूड बनाती थी क्योंकि उनका जन्म गोवा में हुआ था और गोवा में फिश एक स्टेपल फूड हो गया। पद्मा जी जब शादी होकर हमारे घर में आ गई तभी उन्होंने स्वयं अपने सासू माँ से सीखना चालू किया, क्योंकि उनको मालूम था यहाँ सब अच्छा खाना बनाते हैं, मेहमान आते हैं, खाते हैं, तो मैं क्यों ना बनाऊं, इसलिए उन्होंने सीख लिया। उनके मायके में भी बहुत मेहमान आते थे, छुट्टियों में तो 10-10, 15-15 लोग आके रहते थे, यानी मेहमानों की आने जाने की उनको कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ भी नहीं थी, वहाँ तो बिल्कुल ही नहीं थी, वो भी सीखने लगी। लेकिन फर्क इतना है कि मेरी माँ 24 घंटा घर में रहती थी, पद्मा जी का वैसा नहीं था। वो सवेरे 8-8:15 बजे ऑफिस के लिए निकलती थी, मैं उससे 10-15 मिनट पहले निकलता था, तो बहुत जल्दी उठ के वो खाना बनाती थी, अच्छा खाना बनाती थी। ऑफिस से आने के बाद अगर कोई मेहमान आने वाले होंगे तो एक कप चाय पी के वो वापस दोबारा काम चालू करती थी, इंटरेस्ट लेके बनाती थी। और मेहमान तो आते ही थे, महीने में 1-2 बार तो बुलाए हुए मेहमान आते थे, 2-4 बार ऐसे ही सडनली आते थे इवनिंग में, फिर खाना खा के ही जाएंगे, वो भी खाना वो बनाती थी। तब क्या होने लगा, लोगों को मालूम हो गया कि ये भी अच्छा खाना बनाती है। लेकिन कोई लोग ऐसे थे उनको लगता था ये सब मेरी माँ बनाती है, वैसा नहीं था। माँ जैसे
और बुढ़े होने लगे। हमने उनको रिक्वेस्ट किया कि आप अपनी किचन छोड़ दीजिए। वो भले ही नहीं मानती थी, लेकिन मेजर जो काम है वो पद्मा जी करती थी। यानी उन पर दुगना बोझ आ गया। यानी मेरी बच्ची छोटी थी, बच्चियों को संभालना भी, देखभाल करना, दफ्तर संभालना और खाना बनाना, यानी वट एवर शी हैज डन इज ग्रेट जॉब। अब क्या होने लगा, जो लोग आते थे खुशी खुशी खाना खाके भी जाते थे, लेकिन उनमें से कोई ऐसे मिशियस थे, जाते हुए मेरी माँ को कहती थी, वो लोग कहते थे खाना बहुत अच्छा था, माँ तुरंत बोलती थी अब मैं कुछ नहीं करती, सब पद्मा बनाती है। बाद में ऐसे होने लगा, कुछ खा के कोई लोग जानबूझ के ऐसे कहते थे, मुझे कहते थे प्रशांत जी खाना बहुत अच्छा था, मतलब मैंने ये बनाता, मुझे आता है लेकिन ये आज का खाना मैंने नहीं बनाया, जिसने बनाया उसको क्रेडिट दीजिए। फिर वो लोग समझ गए कि ये कुछ गलत हम बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी शिवस तो हमेशा ऐसे ही कहते थे जाने दो। ऐसे होता था, सवेरे सवेरे उठ के बेचारी दफ्तर के लिए दौड़ दौड़ के जाती थी, तो आजू बाजू वाले एक दो ऐसे विघ्न संतोषी लोग रहते थे, मुझे बोलते थे देखो पद्मा जी कितना जल्दी जल्दी जा रही है, वो रास्ते में कुछ हो गया तो। मेरा माथा गर्म होता था, मैं बोलती थी तू दौड़ के क्यों जाती है, वो कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन मुझे बाद में मालूम हो गया इतना काम संभालेगी तो दौड़ के नहीं जाएगी। मैं क्या सवेरे करता हूँ, कुछ नहीं, मैं शाम को आने के बाद किचन में कुछ करता था, सवेरे कुछ नहीं कर पाता था, फिर चुपचाप करती थी। अब ऐसे हो गया कि लॉकडाउन के समय हमने ऐसे सोचा कि हम जो खाना करते हैं वो फेसबुक पे डालेंगे। तब लोगों ने कहा क्यों फेसबुक, आप यूट्यूब चैनल खोलिए। बोला जी जरूर बनाएंगे। शुरू में मैं और मेरी बेटी ईशा दोनों ने शुरू किया, पद्मा जी बैठ के देखती थी, हेल्प करती थी, कैमरा के सामने नहीं आती थी। क्यों, उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बाद में हमने सोचा नहीं, ये शी इज केपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग, तो हम उनको ऑन स्क्रीन लाइक लाके ही ये करेंगे। फिर वो धीरे धीरे ऑन स्क्रीन दिखने लगी। आप शुरू से अगर देखेंगे वीडियोस तो आपको मालूम पड़ेगा कैसे उनमें इम्प्रूवमेंट होने लगी। शुरू के जो वीडियोस है उनमें आप देखेंगे तो ऐसा वो डरी हुई लगती है, कॉन्फिडेंस नहीं था। फिर मुझे ऐसा उसको बोलना पड़ता था, ऐसा ऐसा करके बोलो बोलो बोलो, फिर ऐसे होने लगा। वो बोलती थी और मैं भी, दोनों साथ में बोलते हैं, ऐसे कुछ वीडियोस है हम दोनों साथ में बोलते हैं। फिर लोग कमेंट्स भेजना चालू किए, आप दोनों साथ में मत बोलिए, अगर मैं चुप रहता था तो वो कुछ बोलती ही नहीं थी। आता तो सब है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस ऑन स्क्रीन उसका कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैंने कहा आप सब कुछ कर सकती हैं तो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों में दिखना चाहिए। और बाद में हमने ये नया तरीका चालू किया, इंट्रोडक्शन मैं करूँगा, बाद में वो सब बोलेगी। उन्होंने वो भी सीख लिया, अब तो वो एक्सपर्ट हो गई है। तो मैं इसलिए आज ये वीडियो एक करता हूँ कि मेरे घर में जो हुआ उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप करना ये मेरा काम है पति करके। इसलिए हमने ये चैनल खोला था कि उसमें कॉन्फिडेंस जो है वो लोगों में दिखना चाहिए, वो कुछ भी कर सकती है, अच्छा काम वो आना चाहिए। अभी तो बहुत थोड़े रेसिपीज उन्होंने दिखाए, उनके पास तो बहुत भंडार है, उनके खुद के बनाए हुए, उनके सासू माँ ने सिखाए हुए, उनके माँ जी ने सिखाए हुए, उनके नानी ने, उनके दादी ने सिखाए हुए, ऐसे बहुत है। और हमने तभी सोच लिया था कि ये दोनों के नाम का चैनल बनेगा, मेरी माँ जी उनकी माँ जी, और ये सात्विक फूड होना चाहिए, वेजिटेरियन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे वर्ल्ड में वेजिटेरियन बन रहे हैं, और वेजिटेरियन फूड हेल्दी नहीं रहता, ऐसे किसने कहा है, हेल्दी तो रहता ही है। इसलिए अब तक जो वीडियोस बनाए हैं उससे 100 गुना वीडियोस बनाने की उनकी काबिलियत है, इसलिए हमने ये चैनल खोल दिया।
और खुशी की बात है कि आप सभी ने हम सभी को इनकरेज किया और कर रहे हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि हमेशा आप हमें ऐसे ही इनकरेज कीजिए, हमारा चैनल और प्रगति की करेगा। यह आपके ऊपर है, हम बनाएंगे, आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। ये मैंने आपको वापस अपील क्यों किया कि ये जो आदि शक्ति है, नारी शक्ति है, स्त्री शक्ति है, हर के घर में रहती है, उनको सिर्फ पीठ पर थपथपाकर जो जेंट्स रहते हैं उनको क्रेडिट देना भूलते हैं। लेकिन मैं आज सब पूरे दुनिया के सामने कहता हूँ कि सब क्रेडिट पद्मा जी को जाता है और हमारा हर चैनल का क्रेडिट पद्मा जी, ईशा जी और हमारी सब टीम है उनको जाता है। इसलिए तो हम प्रगति कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपके आशीर्वाद से। ऐसे ही हमारे ऊपर आप हमेशा कृपा करें और हमारा चैनल और आगे बढ़े। धन्यवाद। ऐसे ही बीच बीच में हम वीडियोस बनाएंगे। अब मैं बना रहा हूँ कि पद्मा जी को बिल्कुल मालूम नहीं है, हम सोच रहे हैं जब यूट्यूब पे आ जाएगा तभी वो देखेगी और तभी उसका रिएक्शन क्या रहेगा वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक धन्यवाद।